क्या आया, तो पता वो क्या बोला, घंटा आया। काफी दिनों बाद दोस्तों मेरा मन किया यार सेटिंग करते। राजा जी अपनी सेटिंग है, तो वो बोली चार। आज मैं ना कॉमेडी करने वाला हूँ आप सभी के बीच में, क्योंकि यार काफी मन कर रहा था मेरा पब्लिक हंसा हूँ और मैं खुद हंसू, क्योंकि मैं क्लासरूम में काफी ज्यादा हंसता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा यार क्योंकि क्लासरूम की कॉमेडी आप सभी को दिखाई जाए। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं और मेरे दोस्त बैठे थे बगल में और सर ने सवाल किया था 350 में 50 करवा देंगे तो कितना आंसर आएगा, तो मैंने तो सटासट किया हल और मेरा आंसर आया 7 मिनट बगल वाले से कन्फर्म कर लेता हूँ आपको बताने से पहले। तो मैंने सोचा तेरा आंसर क्या आया, तो पता वो क्या बोला, घंटा आया। मैंने पूछी भाई कि तेरा आंसर ये कैसा आ गया, किसमें भाग दे दिया तूने? क्योंकि वो भी काफ़ी मस्त लगते हैं यार, क्योंकि क्लासरूम में ऐसे ऐसे जोक होते रहते सर पीछे, क्योंकि काफ़ी बैंक क्लास के बैंक मैनेजर होते हैं जो हंसाते रहते पब्लिक को। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि भाई काफ़ी दिनों बाद दोस्तों मेरा मन किया यार सेटिंग करते। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो यार, लेकिन सेटिंग मेरी हो नहीं रही थी, तो किधर से एक काली 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 लड़की मिल गई मुझे, सोचा यार इससे सेटिंग कर लेते चलो, इससे मेरी सेटिंग हो गई। तो लास्ट पता सेटिंग होने के बाद मेरी बात चलती रही 1-2 साल, तो मैंने एक बार उससे छोटा भाई बन गया मैं सुदामा का, और उससे पूछा हेलो छोटा भाई बोल रहा हूँ और है ना सुदामा है नहीं है तो अभी मैं आपसे बात नहीं करा सकती, मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है मैं अभी आपसे बात कर लेती हूँ। मैं सुदामा का छोटा भाई हूँ, मैं धीरे धीरे एक तो तुम्हारा भाई सुदामा और एक ने जिसने मोबाइल दे रखा और एक ने जिसने सिम दे रखी वो, और चौथा वो जिससे मैं रिचार्ज डलवाती हूँ। तो यार मेरी दिमाग की बत्ती बोल यार, ये तो भाई सुदामा के छोटे भाई की मस्का लगा रही है, चार चार बंदे लगा रखे पीछे और सेटिंग कर रही है। फिर वो जो मेरा दिमाग सटका और उसके बाद मैंने मेरा ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप होने के बाद पता क्या हुआ, मेरे दोस्तों से बोला कि यार अपना ब्रेकअप हो चुका है, तो वो बोले काली लड़की ने छोड़ दिया। नो गोरी तो छोड़ दिया, चलो काली ने छोड़ दी तुझे, तो इतना मस्त और काली ने छोड़ दिया। तो ऐसे फनी फनी मोमेंट होते रहते क्लास में। तो एक बार हुआ कुछ ऐसा कि हम क्लासरूम में बैठे थे सभी और प्रेजेंट कर रहे थे, सर प्रेजेंट कर रहे कि राहुल प्रेजेंट सर, जो स्टूडेंट थे वो हाजिरी बोल रहे थे प्रेजेंट सर। और एक नया स्टूडेंट आया था क्योंकि ओपनिंग ओपनिंग हुई थी, तो बोल रहा था सर, सब बोल रहे थे प्रेजेंट सर बोल रहे थे हाजिर साहब हाजिर हो। क्लासरूम में हंसते रहते और हर क्लास में दोस्तों ऐसा कोई सा पीरियड जाता नहीं जिसमें कोई ना कोई बंदा फनी नहीं करे, क्योंकि फनी करता तभी मस्त लगती है और हंसते रहते। इसके बाद हुआ कुछ ऐसा, अभी कुछ ऐसा कि एक सामने मतलब एक छत इधर है और एक छत उधर है, तो एक अंकल जी बालकनी में बैठे थे और उधर गोलू की मम्मी चाय बना रही थी। तो अंकल जी बालकनी में बैठे बैठे सोचते थे रोजना यार कोई दिन तो गोलू की मम्मी चाय पे बुलाएगी मुझे, किसी दिन तो गोलू की मम्मी चाय पे बुलाएगी। वो अंकल अपनी रोज की बालकनी में आके बैठ जाते थे कि गोलू मम्मी चाय पे बुलाएगी मुझे। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन गोलू मम्मी ने अंकल जी को बुला ली चाय के लिए के आ जाओ चाय पीएंगे साथ में बैठ के। अंकल जी मन मन मुस्करा रहे थे, आज तक गोलू की मम्मी ने चाय के लिए बुला लिया। तो अंकल जी बालकनी पे कूद गए और पहुंचे नहीं चाय पीने के लिए। ऐसा ही होता है कुछ जब जल्दबाजी में कोई कदम उठाते, गोलू मम्मी चाय बुलाती है और गोलू पापा चाय पीने पहुंचते ही नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि गोलू की मम्मी रसोई में थी, तो गोलू पापा ने आवाज लगाई गोलू की मम्मी दो कप चाय बना लेना। गोलू की मम्मी दो कप पिएगा एक आप एक ही तो आप हो। गोलू पापा बोले एक मैं और एक मेरी आत्मा। दोनों तुम्हें तो हो गए, नहीं नहीं जिसे तुम गाली देती हो वो तो मैं हूँ और जिसे मैं अंदर से फील करता हूँ वो मेरी आत्मा है। तो एक आत्मा के लिए एक मेरे लिए।
सामने शादी ब्याहों का सीजन आ रहा है इस टाइम, तो आजकल पता होता क्या शादी ब्याहों में कुछ लड़के तो एक चीज सोच के जाते कि और राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, ये बंद करके आनी है कुछ भी हो जाओ एक ना एक को सेट करके आना। और कुछ लड़के पता क्या जाते हैं, लड़के कैसे लग रहा है राजा जी तो ऐसे ऐसे बंद होते कुछ तो देखते रहते, ओहो ये लाली लग रही है चक्कर में, और कुछ मतलब मन में यही वहम रखते और चक्कर चल रहा है चक्कर। और कुछ लड़के हाँ राजा जी तो कुछ ऐसा ही होता रहता है। पता ना आज की यह छोटी सी कॉमेडी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है, लाइक और भाई को सपोर्ट करते हैं तो सब्सक्राइब कर देना।